कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि इजिप्ट के पायरामिड्स पे काफी सदियों से एक कर्स मौजूद होता है और जो भी इंसान इन मकबरों को छेड़ा करता था उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था और वो हमेशा से इस कर्स का शिकार हो जाता था। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन पायरामिड से दूर ही रहा करते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो पुरानी इमारतें खंडर पे रिसर्च किया करते हैं। लेकिन बहुत से सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को नासा की मदद से एक ऐसी पायरामिड का पता चलता है जो जमीन के अंदर हजारों मीटर था, यानी कि जमीन के अंदर इस पायरामिड ने अपनी ही एक दुनिया बनाई होती है। और इस पायरामिड की अजीब बात यह थी कि ये पुराने होने के साथ साथ अपनी शेप के लिहाज से भी मुनफरिद था, यानी कि बाकी पायरामिड तो फोर साइडेड हुआ करते थे लेकिन इस पायरामिड्स की सिर्फ तीन साइडें थी। इस डिस्कवरी से लोगों को आइडिया होने लग जाता है और वो इस पायरामिड को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इजिप्ट में रहने वाले लोग इन पायरामिड्स पर रिसर्च होना नहीं देख सकते क्योंकि वो इस कर्ज पर बिलीव रखते हैं। वो यकीन रखते हैं कि अगर इन पायरामिड्स को छेड़ा गया या इनमें दाखिल हुआ गया तो एक खतरनाक किस्म का कर्ज आ सकता है। कर्ज से मुराद कोई नागहानी आफत जिसको इंसान नहीं रोक पाएगा। और इसी चीज को रोकने के लिए इजिप्ट में रहने वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं ताकि इन पायरामिड्स को ना छेड़ा जाए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस पर बिलीव रखती है और वो अपनी गवर्नमेंट से इस चीज की इजाजत ले लेती है और बिलाखिर इजाजत मिलने के बाद वो लोग पायरामिड के पास खुदाई शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस आर्कियोलॉजिस्ट टीम में पांच मेंबर होते हैं और इस टीम को लीड करने वाले का नाम डॉक्टर माइल्स है। डॉक्टर माइल्स के अलावा उनकी बेटी नोरा भी इस टीम में होती है और बहुत से दूसरे मेंबर्स भी। ये पूरी टीम बहुत एक्साइटेड होती है और इनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी मौजूद होते हैं। जमीन के अलावा इनके पास सैटेलाइट सपोर्ट भी अवेलेबल होती है जो कि नासा प्रोवाइड कर रहा होता है। अब खुदाई हो रही होती है, डिगिंग जारी रखते हैं। जब एक वर्कर खुदाई कर रहा होता है तो एकदम से उस पायरामिड के अंदर से एक गैस निकलती है जो कि जहरीली होती है। ये गैस वर्कर के मुंह पे और जिस्म पर आ जाती है जिसकी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। इस वर्कर की मौत से बाकी वर्कर्स भी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस कर्ज के बारे में सुना होता है और वो इस कर्ज पर और भी यकीन करने लगते हैं कि हमें इन पिरामिड से दूर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइल्स, नोरा और उनकी टीम क्योंकि साइंस पर बिलीव करती है और वो ऐसी मिथ्स पर बिलीव नहीं करते और डॉक्टर माइल्स इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वर्कर की मौत से प्रोटेस्टर और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है। ये प्रोटेस्टर किसी तरह भी इस काम को रुकवाना चाहते हैं और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा होता है सिविल वॉर होने का खतरा महसूस किया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर माइल्स से ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं। सीनियर डॉक्टर माइल्स को कहते हैं कि आपको काम बंद करना चाहिए और वापस आ जाए अपने मुल्क क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी और जबरदस्ती काम बंद करवा देगी, तो बेहतर है हम खुद ही काम बंद करें और वापस आ जाए। ये सब सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने एक एफर्ट की होती है, एक प्लान बनाया होता है और दरमियान में छोड़ना इनके लिए कोई सेंसिबिलिटी नहीं बनती। खैर फैसला ये होता है कि हम इस काम को बंद करेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इस काम को नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहती है कि इस रिसर्च को मुकम्मल किया जाए। और किस तरह बाकी टीम को कन्विंस कर लेती है, राजी कर लेती है कि हमें कम से कम पिरामिड के अंदर जाके देखना तो चाहिए कि ये बाकी पिरामिड से डिफरेंट कैसे है, क्यों ये थ्री शेप्स का है और क्यों ये इतना अंदर जमीन के अंदर फैला हुआ है, कम से कम हमें अंदर जाके देखना तो चाहिए। और इसकी टीम किसी तरह राजी हो जाती है। अब इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक रोबोटिक कार इस पिरामिड के अंदर भेजते हैं ताकि फाइंड आउट कर सकें कि ये कैसे अलग है। जब ये रोबोटिक कार पिरामिड के अंदर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि वाकई ये पिरामिड दूसरे पिरामिड से काफी अलग है, जैसे कि इसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। ये रोबोटिक कार आगे बढ़ रही होती है कि एकदम से इस पे कोई चीज हमला कर देती है जिसकी वजह से इनकी कैमरा फीड खत्म हो जाती है, यानी कि कैमरा कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब ये नहीं देख पाते कि अंदर क्या हुआ। बाहर ये सब इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई कुत्ता या कोई जानवर होगा जो किसी तरह इस पिरामिड के अंदर चला गया होगा और उसने हमारी रोबोटिक कार पर हमला कर दिया जिसकी वजह से हमारा कैमरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। बेसिकली ये रोबोटिक कार नासा की तरफ से इनको दी गई थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। अब ये लोग ये नहीं चाहते थे कि इस रोबोटिक कार को अंदर ही रख दिया जाए, इसको वो वापस लेके जाना चाहते थे और मजीद एक्सप्लोर भी करना चाहते थे। लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम था क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पर पाबंदी लगा दी थी और हम साथ देखते हैं कि मिलिट्री भी यहाँ पर मौजूद होती है और मिलिट्री इन साइंटिस्ट पर पहरा दे रही होती है, यानी कि नजर बना के रखी होती है कि ये कुछ उल्टा सीधा काम ना करें और वापस चले जाएं। लेकिन ये सब प्लान करते हैं कि मिलिट्री से छुपकर हम उस पिरामिड के अंदर दाखिल होंगे और अपनी रोबोटिक कार को वापस लेकर आएंगे। ये सब अंदर जाने की तैयारी करते हैं। अब ये अंदर जाने की तैयारी करते हैं जिसका मतलब है कि अगर इनके साथ कुछ हुआ तो बाहर मौजूद किसी शख्स को पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहां गए। अंदर जाने से पहले ये एक बारीक वायर को एक स्टिक के साथ बांध देते हैं और अपने साथ इस वायर को लेके जाते हैं। बेसिकली इनका मकसद होता है कि वापसी पर आते हुए हम रास्ता भूल ना जाएं और इस वायर के जरिए हमें वापसी का रास्ता आसानी से मिल सके। अब ये सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर बढ़कर ये थोड़ा आगे ही जाते हैं तो इन्हें एक जैसे तीन रास्ते नजर आते हैं और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर जाने वाले रास्ते पर पुराने जमाने के इजिप्शियन हथियार भी पड़े होते हैं, यानी कि ये वो वेपन्स होते हैं जो इजिप्शियन पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया करते थे। और यही बातचीत के दरमियान नोरा को ये पता चलता है कि उसके फादर यानी कि डॉक्टर माइल्स उनकी वायर टूट चुकी है, क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उसी तरह के तीन रास्ते और भी वहां मौजूद होते हैं और अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला होने वाला है। बेसिकली वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ अटैच की होती है क्योंकि उनकी वायर भी टूट
चुकी है, तो अब इनके पास कोई क्ल्यू नहीं है कि हमें किस रास्ते पर वापस जाना है। खैर ये इन तीनों रास्तों की तरफ आते हैं और इन तीनों रास्तों पर डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बने होते हैं। ये सब चांस लेकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और ये काफी देर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती, जिससे इनको ये मालूम होता है कि ये रास्ता जो हमने पिक किया था ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते, ये तो पिरामिड के अंदर मजीद दाखिल हो रहे होते हैं और चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक बड़ा सा हॉल था और वहां पर इन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी नजर आती है। और उसी वक्त उस हॉल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये सब लोग भी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर माइल्स, नोरा और इनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। डॉक्टर माइल्स प्लान करते हैं कि हमें अपने जख्मी साथी को किसी तरह भी बचाना होगा और इन्हीं का एक टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है कि सामने से एक जानवर आता है और इसको अपना पंजा मारकर जख्मी कर देता है, जिस वजह से ऊपर चढ़ने वाली टीम मेंबर जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और सब मायूस होते हैं कि शायद हम बुरी तरह से इस खंडर में फंस चुके हैं। यहीं पर इन्हें एक पत्थरों से बना हुआ दरवाजा भी नजर आता है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट टीम है तो ये इन सिंबल्स को पढ़ सकती है। जब वो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है डेंजर, खतरा, और इन सिंबल से ये मेंशन होता है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और ये सब यहां से निकलना भी चाहते थे, तो वो सिंबल्स को इग्नोर करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। बिलाखिर ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उन्हीं सोल्जर्स की होती हैं, उसी मिलिट्री की होती हैं जो इन पर नजर रखे हुए थी। जब इन सोल्जर्स को पता चला था कि ये रिसर्च टीम इस पिरामिड के अंदर आ चुकी है, तो इनको वापस लेने के लिए ये लोग अंदर आए होते हैं। ये इन्हीं की आवाजें होती हैं और उसी वक्त ये टीम अपने उस जख्मी साथी की चीख सुनते हैं। उसको देखने के लिए जब ये वापस आते हैं तो उनका वही जख्मी साथी, जिसका नाम माइकल है, वो वहां से गायब होता है। उसके खून के निशानात होते हैं और उसको कोई चीज घसीट कर ले गई जिसके खून के निशान जमीन पर नजर आ रहे हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर माइल्स और नोरा दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। इन्हीं रिसर्चर्स की टीम में से एक साथी डॉक्टर माइल्स और नोरा से लड़ने लग जाते हैं कि तुम किस तरह के डॉक्टर हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, जो हमें इस पिरामिड से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये पिरामिड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जहां से बाहर जाना आसान नहीं था। खैर निकलने की कोशिश में इन्हें एक छोटी सी टनल नजर आती है जहां से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अभी जा ही रहे होते हैं तो इन पर एक जानवर अटैक कर देता है जो कि एक जंगली बिल्ली की तरह दिखता होता है। और काफी मुश्किल के बाद उस छोटी टनल से ये सब लोग निकल आते हैं। जैसे ही ये टनल से बाहर आते हैं तो वहां पे एक सोल्जर मौजूद होता है। उन्हीं सोल्जर में से ये वो होता है जो इनको रोकने के लिए ड्यूटी पर होते हैं, और मदद करने वाले सोल्जर को भी मार दिया जाता है। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट हमें तब पता चलता है कि ये सब वाकया हो क्यों रहे होते हैं इस पिरामिड के अंदर। मूवी के राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर एनोबिस रहता है। बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में एनोबिस एक गॉड होता है जिसको किसी वजह से निकाल दिया जाता है हेवन के अंदर से, और अब ये पिरामिड एनोबिस की रिहाइश है, यानी कि एनोबिस यहां पर रहता है। एनोबिस भी एक गॉड था जिसको सजा के तौर पर हेवन से निकाल दिया गया था, और अब ये पिरामिड एनोबिस की जेल है और इस जेल में जो भी आता है एनोबिस उसको मार दिया करता है। लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है। एनोबिस इस जेल से, यानी कि इस पिरामिड से इसीलिए निकल पाएगा, तब ही निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी सोल, यानी कि उसकी रूह दोनों बैलेंस में हो, वो इंसान नेक हो। जिस दिन एनोबिस को ऐसा इंसान मिल गया तो वो अपनी सजा से आजाद हो जाएगा, और इसीलिए वो हर इंसान को मारकर एक तराजू में रखता था। तराजू की एक साइड पर दिल और दूसरी साइड पर उसकी रूह, वो इसको बैलेंस करता था ताकि उसे मालूम हो सके कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, क्योंकि अब तक जितने भी लोग इस पिरामिड में आए होते हैं वो सब लोग बुरे होते हैं और एनोबिस अभी तक अपनी जेल से, यानी कि पिरामिड से आजाद नहीं हुआ होता। और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम के तमाम मेंबर्स इसी पिरामिड में मरने लग जाते हैं। एनोबिस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है। जब उसकी रूह और उसके दिल को बैलेंस किया जाता है तो एनोबिस इसको भी नेक नहीं पाता। और एंड पर हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा, जो रोशनी के बहुत करीब होती है, यानी कि इस पिरामिड की टनल के बिल्कुल एंड पर होती है और वो बिल्कुल बाहर जाने ही वाली होती है, तो उसे एक लड़का वहां दिखाई देता है, एक कम उम्र का लड़का। नोरा बहुत थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है। शायद वो लड़का उसकी मदद कर रहा है बाहर निकलने में, लेकिन उसी वक्त एनोबिस आके नोरा और उस लड़के को भी मार देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी दूसरी वीडियोस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं।